कितना भाई दो बज लिए वो देखिए तो रट मार रही है और मेरे को छोटी थी गाड़ी कंपनी के अंदर बट आज भी शाम से मैं छुट्टी पे है बट वो कह रहा था कि भाई कल सुबह जल्दी लेके आ जाओ। अब जल्दी हमारी मेरी आँख तो खुलती नहीं है तो मैं यार अभी एक काम कर लेता हूँ गाड़ी को भी छोड़ जाता हूँ और कल काम होके मिल जाएगी। अब मेरे को इसमें से निकालना सामान। हाँ तो भाई ये सामान निकालना था, बस ये जाली वाली बार मुड़ जाती है वहाँ पे। वैसे जब से मैंने टो बेल्ट लिया ना तक काम नहीं आई है, बस ऊपर वाले से दुआ भी यही करता हूँ कि कभी काम ही ना आए, ऐसी जरूरत ना पड़े जिसमें टो की जरूरत पड़ जाए। पर ले लिया सेफ्टी के लिए रखा रहता हूँ गाड़ी में, मेरे लिए किसी और के काम आ जाएगी तो इसलिए रखा रहता हूँ। बट इसमें टो लग भी तो नहीं सकती ना यार, दिक्कत ये भी तो है किट हटानी पड़े और किट में हटाऊंगा नहीं भाई। और ये भी छोड़नी है मेरे को, इसका भी काम होना है। पता नहीं इसमें से ना अजीब सी आवाज़ आ रही है, मतलब यार ये गाड़ी कम चल रही है और फिर भी पता नहीं इसके इंजन में कैसे आवाज़ आ गई है। काम क्या क्या होना है इसमें, दो काम होना है, एक तो क्लच का काम होना है, अब क्लच का देखते हैं कितना खर्चा आएगा कितना नहीं है। बाकी अब रेट बढ़ भी गया क्योंकि पहले ब्रेक शू डालते थे 6,000-6,500 रुपये के, अब पहुंच गए 10,000 रुपये पे, चलो सबके प्राइस बढ़ी रही है ऑफकोर्स। तो छोड़ना है आज तो इसमें काम होगा नहीं, काम होगा इसमें कल, तो कल फिर सुबह तो हम पे जाया नहीं जाएगा तो इसलिए मैं कभी छोड़ देता हूँ उसको। अब देखो कल गाड़ी मिल जाएगी तो मैं सोच रहा हूँ ट्यूजडे तक मैं निकल जाऊँगा एक छोटी सी ट्रिप पे, क्योंकि मैंने जो बोला था हिमाचल के लिए कि मेरे को चाबी बज रही है, तो मैंने सोचा था हिमाचल जाने के लिए। तो हिमाचल में मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को जाना है जब भी, क्योंकि मैंने वो कभी देखा नहीं है और मैंने देखा यार काफ़ी वीडियोस देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ चलते हैं जब भी मैं रुकते हैं लेके आते हैं और शायद हो सके स्नोफॉल मिल जाए क्योंकि नेक्स्ट वीक की स्नोफॉल दिखा रखी है। क्या बोलती पब्लिक, जब भी मार गया है राउंड या कैसा जी क्या है मेरे को पता नहीं है बट मैंने देखा है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आप सब क्या बोल रहे हो कि जब भी जाया जाए, क्योंकि यार नारकंडा और शिमला में तो बहुत ज़्यादा क्राउड और मैं क्राउड की जगह जाना नहीं चाहता, सोच रहे इस तरह कि 2-3 दिन के लिए जब भी लौट के हम आराम से शांति से घूम के आऊँ। तो बताओ तुम सब कैसा चीन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो यार इसमें कितना खर्चा आएगा, मेरे तो दिमाग के अंदर यही चल रहा है कि इसमें क्या अलग लग रही है। अब जाके 1,23,000 किलोमीटर चल चुकी है, पहली बार जो क्लच प्लेट गई थी जब मैं जैसलमेर था, जब कितनी चल रही थी गाड़ी आया, जब ये चल रही थी कितनी 70-80 के आसपास चल रही थी उस टाइम ये गाड़ी, और भाई उस टाइम इतने में गई थी और अब की बार जल्दी चलेगी। अब मुझे पता है कि जिस कंपनी में मैंने पहले काम कराया था वो दूसरी थी और उसमें इतना अच्छे से काम नहीं हुआ। तो क्लच के दो पार्ट होते हैं, एक तो प्लाई होती है और एक होती है क्लच प्लेट। अब देखो अगर दोनों चलेगी तो भाई खर्चा ज्यादा आ जाएगा, अगर दोनों नहीं गई मतलब एक गई है तो खर्चा कम है। मुझे लग रहा ज्यादा क्लच जा चुकी है क्योंकि पहले भी यही प्रॉब्लम आई थी और अब भी यही प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी की एवरेज तक भी कम हो गई। गाड़ी अब एवरेज मेरी दे रही है 11 या 12 की सिटी के अंदर, और हाईवे पे जाते जब मैक्सिमम दे देती 13-13.5 उससे ऊपर जा ही नहीं रही है। अन्य ऑलरेडी आराम से अगर मैं हाईवे पे लेके चलाता था तो 15 की तो एवरेज आराम से दे देती थी, बट अब पता नहीं इसमें क्या आग लगी है तो बिल्कुल एवरेज कम होगी, बिल्कुल कम होगी। भाई अपनी गाड़ी हो चुकी खड़ी, अब इसको छोड़ के जाते हैं, सामान इसमें से निकाल लिया, क्या था इसमें कुछ खास तो खाने का चीज़ नंबरों का मेरे को तो पहले इनको बता देता हूँ क्या क्या काम होना है, बाकी शाम से मतलब मैंने बता दिया, बट इतना है कि गोल वोल कर रेडी कर लेंगे गाड़ी को। एक प्रकाश देखे जा रहा हूँ अपनी अमानत आज शाम सुंदर छुट्टी पे है ना, तो भाई सामान निकाल लेते हैं। यार सामान निकाल के मैं कैसे लेके जाऊंगा यार, कागज तो इसमें पड़ रहने दे, तो कुछ भी ना कागज तो गाड़ी है कॉफी फ्री है, मगर फ्री ना, एक कप कॉफी का पता है कितने का पड़ेगा कम से कम। वो तो कल पता लगेगा जब बिल आएगा, बट ना करते करते 50 से ऊपर जाएगा एक कॉफी का कप। अब गाड़ी मेरे को कल मिलेगी, कल शाम को मिलेगी, शाम सुंदर कल शाम को देगा नहीं देगा वो पता नहीं, शाम सुंदर कल शाम को गाड़ी देगा मुझे। हाँ तो भाई फिलहाल अभी आया हम वोडाफोन स्टोर में क्योंकि मेरे को सिम पोर्ट करानी थी काफ़ी टाइम से, मतलब ई सिम चालू करवानी है और अभी मैं जियो में कन्वर्ट कराऊँगा उसको, वोडाफोन और बैठ के दे रहा भाई जियो के प्रमोशन कर रहा तो ये टॉयलेट के सामने था तो मैं कह रहा था यहाँ पे बैठे बैठे काम करा ले, और नंबर है मेरा वो उसका नंबर लास्ट में 0000 है तो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है वैसे, वो उसका बिल भी पेंडिंग था तो चल इसको करवा लेते क्लियर, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रहा था करवाने की, बट फाइनली मेरे को सामने दिख गया मतलब अभी दीवार शो में लगेगा आधा घंटा आने में, तो मैं चल इतना काम करवा लेता भाई
सब्सक्राइबर निकल जाए। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया ना बड़ी। भाई मेरे को देख के यार, मेरे को सीधा निकाल के ब्लॉग दिखा रहे भाई, देखो काफी टाइम से देखता हूं भाई। और कोई नंबर है 2008 में? अरे भाई ऐसे होने चाहिए भाई हमारे तरह से। मैं सच बताऊँ मैं बोर हो रहा हूँ और सिम तो मेरे को मिल गई है और फिलहाल इसको पोर्ट कराने के बाद में उसके सामने बोल दिया मैंने तो। और भाई क्या करना था इसका, हिमांशु का वेट कर रहा हूँ। 2 घंटे हो गए मेरे को वेट करते करते यार, यहाँ पे 2 घंटे सोचा। अब वेट कर रहा हूँ उसका कि आ जाए और भाई मेरे घर पहुँच जाए। यार मैं सोया भी नहीं हूँ, रात भी सोया था और अभी नहीं सोया था, मेरे को नींद आ रही बहुत तकली। जय बजरंग बली। पूरे पूरे 2.5 घंटा मैक्स, 4:08 हो गए, 2.5 घंटा हो गया। चलो भाई और इतना टाइम लगेगा यार, मेहमान से 5 मिनट मार देता मैं। तेरी अलग ड्राइविंग है तो अपन दोनों मतलब खच खच है। मैं हो कि ना भाई फिलहाल एक कल चलते हैं घर क्योंकि मेरे पास ही नहीं है। मम्मी नहीं करेंगे घर जाके। और सो गए यार, मैं आज भी सोया यार, आज भी एडिटिंग में कल पूरी रात में सोना। क्या करें भाई, सोना भी जरूरी है शरीर बॉडी। अब शाम को फिर जिम जाना, अब हालत नहीं होगी शरीर में, जान ही नहीं होगी तो मैं जिम कर जाके फायदा क्या। और जिम जाऊंगा आज, सैटरडे ना आज लाइट लगाएगा, आज मारते हो ताना ऊपर तुम भाई। जाके अंडे खाऊंगा, अंडे खाने के बाद सोऊंगा तुम्हारा भाई। तगड़ा लग रहा ना कैमरा, ये इसमें मजा आता है, ये फोन होल्डर सबसे बेस्ट है। अपनी हैंडल है, फॉर्च्यूनर पलटा देगा हैंडल थोड़ा छोटा हो। टोटा सा आया और आके मैं सो गया, इतनी तगड़ी नींद ली। और ली कितनी देर की है? 1.5 घंटे की, सिर्फ 1-1.5 घंटे की नींद ली है। और अब फिलहाल चलते हैं जिम। और मैंने कॉल किया था एलविस को, कह रहा था भाई मेरे को तो हो गया है फीवर, मगर योग अच्छी चीज़ होगी, फीवर हो गया। तो भाई कह रहा था फीवर हो गया भाई, तो भाई चलते हैं। तो लेग्स लगाते हैं बट लगाएंगे हल्की, कल करेंगे वन वी वन। मैं जिम जा रहा हूँ वन वी वन करेंगे बम्बू रहने दे। ये हमें मारने की सोच रहे हैं, 1 यूरो। अरे क्या यूरो पीछे है, कितना दुबला प्रोवाइड है भाई। नो कह रहे हैं कि लेग्स करवा दे कुछ, ये देख देसी घी चल रहा है, हमें पता देसी घी पाउडर फॉर्म मार रहा आजकल। भाई देखो प्रॉमिस डे बना दिया, प्रॉमिस डे भाई। गुरु जी प्रॉमिस मूव कर दे यार। बेल बॉटम काली टी शर्ट, आज प्रॉमिस करके आएगा कि जिंदगी भर तो धोखा ही देना। अगर कल किस डे, परसों अरे सॉरी किस डे पे मुझे ले चले भाई प्लीज। है देख ले नवीन, तुम भाई जो मारोगे फिर जिंदगी नहीं निकल जाएगी। हां सेंट ये नीच जितेश है, नीच जितेश, नीच जितेश नीच है। हां लास्ट पीछे नीच अंडरस्कोर ना है। गुरुजी मोबाइल चल भाई, चल भाई कपड़े चेंज कर रहा हूं, बेल बटन मोबाइल पे की। अरे मैं तो यही जा रहा हूं, मैं भी यहीं चल रहा हूं। मैं तेरे घर का भाई कैसा थम नजर है, प्रॉमिस डेट बनाना जा रहे के? मेरा कोई प्रॉमिस नहीं, ना कोई मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सरासर झूठ बोला जा रहा है, इन पे गौर किया जाए, इनको पकड़ा जाए। ये सेंटर प्लाजा मिलते हैं आप सबको। ये भी मैंने वीडियो चक्कर में मार दिया, 80 किलो वेट था, काफ़ी टाइम बाद मार रहा हूँ। और आज दानवों के हाथ से बच गया, तो अलग मैं एक्टिव करवाऊँगा। 25, 50, 100, तो 25 की प्लेट है, 400 इधर है और 100 उधर है। लेग प्रेस मारते हैं 200 किलो से। फिलहाल लेग्स हो चुकी है खत्म और अब लगाते हैं एब्स। जी निकल जाता है लेग्स निकल है और आप खा के भी नहीं आता, भूखा था। मैं सुबह खाना खाया था, वो भी पुलाव खाए थे, उसके अलावा शाम को तो चाय चाय पी के चिल आ गए। एब्स भी लगा लिए और लेग्स भी लगा लिए। सही राज जितेश ने नहीं लगाई, नहीं तुम्हारी हालत खराब कर देता। चलो फिलहाल चलते हैं घर और पीते हैं प्रोटीन और लेते कुछ डाइट के अंदर अच्छा सा। कल छुट्टी है वैसे, संडे है और सोच रहा हूँ आ जाऊँ, देख लूंगा सुबह करके जाऊंगा। मैं लग चुका अभी तीन चार दिन वगैरह खड़ा दूं तुम। नेट 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 एक तुक्का था भाई, तुक्का था। आओ, आओ। तो भाई आज से दो मेरे 0
सारा भाई हारते हुए और ऊपर जाते हुए प्रोटीन पीते हुए। अरे यार लेग्स तो ऐसे भागने जाते, लेग्स का मतलब कहाँ भागा जाता है।